तो हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग एक न्यू सीरीज ऑफ वीडियोस चल रही है हमारी, जिसमें हम लोग 20 मिनट्स में हर एक चैप्टर को रिवाइज करें। सो इसमें प्रीवियस हमने 3 चैप्टर्स देख लिए हैं। आज हम लोग पार्ट वन का चैप्टर नेम इज लेंस, लेंस चैप्टर जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और इस लेंस चैप्टर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर ये लेंस कैसे वर्क करता है, क्या क्या कैसे हम रे डायग्राम्स बनाते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। एंड ऑल्सो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हूं, जहां पर जिसमें ग्रुप में आपकर जाकर ज्वाइन हो जाइए और वहां से आपको ये नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगा। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। एंड अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज सब्सक्राइब इट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम है लेंस। लेंस चैप्टर के बारे में हम लोग बहुत ही क्रिस्प वे में देखेंगे। बहुत ज्यादा ज्यादा चीजें इसमें नहीं है, बट थोड़ी चीजें हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें कौन कौन सी हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो लेंस है वो बना होता है दो मिरर के सरफेस को हम लोग ज्वाइंट करके हम बनाते हैं लेंस। अब लेंस के अलग अलग टाइप्स हैं, वो डिटेल में हम लोग ले जाएंगे। जस्ट जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है कि यहाँ पर एक मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, यहाँ पर एक दूसरा, तो दो स्फेरिकल मिरर्स हैं। इन दोनों से ये जो सेंटर वाला पार्ट बना है, ये मिलके बना है मिरर। सो जो लेंस इज मेड अप ऑफ टू मिरर। नाउ देयर आर सम डेफिनेशंस व्हिच आर रिलेटेड टू लेंस, तो वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि जो ये लेंस है, ये जो लेंस है, देखो ये वाला पार्ट एक एक सर्कल का पार्ट है। सिमिलरली ये वाला पार्ट क्या है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है कि ये जो लेंस का जो पार्ट है, जिस सर्कल का पार्ट है उसके सेंटर को, उसके सेंटर में यहाँ पे सेंटर है, उसके सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो लेंस इज अ पार्ट ऑफ सर्कल एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। कि जो लेंस का जो पार्ट था, मिरर का जो पार्ट, जिस सर्कल का पार्ट था, उस सर्कल के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पे देखो ये वाला एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर। इसको हम लोग दूसरे टर्म में 2F2 या 2F1, बिकॉज ये 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ के 2 टाइम्स होता है। तो इसको हम लोग C1 C2 सेंटर ऑफ कर्वेचर में रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर 2F1 या 2F2 भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला था सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल के सेंटर को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिमिलरली सेकंड आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि जिस सर्कल का पार्ट था लेंस, जिस सर्कल का पार्ट था, उस सर्कल के रेडियस को, उस सर्कल के रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। The lens is a part of circle and the radius of this imaginary circle, because एक imaginary circle है, उस circle के radius को हम क्या बोलते हैं, radius of curvature। तो दो definition देखा, center of curvature and radius of curvature। Center of curvature क्या है कि जिस imaginary circle का जो lens part है उसके उसके center को center of curvature, जिस imaginary circle का जो lens part है उसके radius को radius of curvature बोलते हैं। Now नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो यहाँ पे आपको एक सिंगल बीच में, इन बिटवीन मिडल में आपको एक स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी, ये यहाँ पर देखिए, ये एकदम मिडल से पास हो रही है। सो इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। एंड इमेजिनरी लाइन, ये एक्चुअल में लाइन नहीं है, एक इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करता है दोनों सेंटर को। देखो एक सेंटर यहाँ पर है, एक सेंटर यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर, सो एक सेंटर यहाँ पर है, दूसरा सेंटर यहाँ पर है। इन दोनों को जो ज्वाइन करता है, इन दोनों को जो ज्वाइन करने वाली एक इमेजिनरी लाइन होती है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। एंड नेक्स्ट इज अ ऑप्टिकल सेंटर, कि जो मिड ऑफ जो लेंस का जो मिडल पार्ट है, जहां से प्रिंसिपल एक्सिस पास होता है या फिर जहां से लाइट विदाउट रिफ्लेक्शन के पास होती है, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो ये 4 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थे, पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस एंड ऑप्टिकल सेंटर। आई होप आपको ये 4 डेफिनेशंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ और डेफिनेशंस के साथ में। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या है, जस्ट ये देखो कि जब लाइट पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन,
रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, वो एक पॉइंट पर जो लाइट्स होती है वो क्या होती है, वो एक पॉइंट पर एक पॉइंट पर कलेक्ट होती है, एक पॉइंट पर यहाँ पे कलेक्ट हो रही है, तो उस पॉइंट को लोग बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। यहाँ पे व्हेन लाइट ट्रेवल्स टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ सिंगल पॉइंट, वो एक सिंगल पॉइंट से क्या होता है पास होता है, एंड इसी सिंगल पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, बट अभी के लिए हम लोग डेफिनेशन से देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब लेंस कहाँ कहाँ मिलता है, तो लेंस मिलता है टेलीस्कोप में मिलता है, माइक्रोस्कोप में मिलता है, स्पेक्स में मिलता है, चश्मे में मिलता है, बहुत से जगह मिलता है, एंड ऑलवेज लेंस इज फॉर्म्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू मिरर्स, तो एक मिरर दूसरा मिरर दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा लेंस बनता है। तो जस्ट बेसिक्स अबाउट हमने देख लिया कि क्या क्या बेसिक्स अबाउट लेंस के बारे में। ना आते एक फेनोमेना जिसका नाम है, अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, दो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है। कन्वर्जेंस मीन्स क्या होता है, एक पॉइंट पर कलेक्ट होना, एक पॉइंट पर मीट करना। जैसे देखो यहां पर आपको अगर मैं डायग्राम में देखूं, तो देखो ये कन्वर्जेंस का डायग्राम है, जहां पर क्या है लाइट्स आर पैरेलल एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एक पॉइंट पर मीट हो रही, वो एक पॉइंट पर मिल रही, तो उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। मैंने इसका एग्जांपल जब मैं प्रॉपर लेक्चर में इसको बताया था कि इट्स लाइक स्कूल, जब मॉर्निंग टाइम होता है, मॉर्निंग टाइम में बच्चे क्या होते हैं स्कूल जाते हैं, तो सब स्कूल पर कलेक्ट होते हैं, स्कूल में जाते हैं, लेक्चर में अटेंड करते हैं। बट जब स्कूल से छूटते हैं, जब उनका वीक ऑफ होता है या फिर जब वो छूटते हैं, तो क्या होते हैं दे आर दे फंक्शन एज अ डाइवर्ज, तो वो एक पॉइंट से क्या होते हैं दूर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे देखो कन्वर्जेंस में क्या हो रहा है, लाइट्स आर पैरेलल, अलग अलग एक्सिस से आ रहे हैं, अलग अलग पैरेलल एक्सिस से आ रहे हैं, एंड देन वो आके एक पॉइंट पर मीट हो रही है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या हो रहा है कि देखो इस पॉइंट से, आपको इस पॉइंट से लाइट्स जो रेज है वो क्या हो रही है, वो अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रही है, उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। तो अलग अलग फेनोमेना है। अ पॉइंट एट विच रे लाइट मीट्स इट्स कॉल्ड एज कन्वर्जेंस, जहां पे सारी लाइट्स मिलती हैं उनको बोलते हैं कन्वर्जेंस। सेकंड, एट पॉइंट एट विच लाइट रेज क्या होती है, सम मिस्टेक्स इज देयर, जहां से क्या होती है वो अवे जाती है, नॉट मीट नहीं होगा, यहां पर होगा अवे, जहां से वो अवे जाती है, जहां से वो अवे जाती है, उस पॉइंट को बोलते हैं डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस लेंस आर देयर एंड डाइवर्जेंस। कन्वर्जेंस कहां पर होता है, माइक्रो, जब हम लोग को एक ऑब्जेक्ट को देखना होता है, एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना होता है क्लियरली, तो हम लोग वहां पे माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग कन्वर्जेंस लेंस करते हैं, जहां पर लाइट बाहर से आती है वो एक पॉइंट पर फोकस होती है, एंड देन वो ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली विजिबल होते हैं। जबकि इन हेडलाइट में क्या करते हैं, हेडलाइट से लाइट डाइवर्ज होती है और चारों जगह पर फैलती है, जिससे हमें आगे की चीजें दिखाई देती है। सो कॉन्केव लेंस में क्या होता है, कॉन्केव लेंस को हम लोग डाइवर्जेंस लेंस बोलते हैं, एंड कॉन्वेक्स को हम लोग क्या बोलते हैं कॉन्वर्जेंस लेंस। तो इस तरह से आप याद होते हैं, कॉन्वेक्स मीन्स कन्वर्जेंस, कॉन्केव मीन्स डाइवर्जेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एग्जाम में आ सकता है, डायग्राम दे देगा एंड आपको एक्सप्लेन करना रहेगा कि कॉन्वर्जेंस है कि डाइवर्जेंस है, उसका एक एग्जाम्पल बताओ एंड डिफाइन करो कि वॉट इज कॉन्वर्जेंस एंड वॉट इज डाइवर्जेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं इस चैप्टर में, सो नेक्स्ट चैप्टर अगर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, तो है रे डायग्राम को फॉर्म करना, कि किस तरह से रे डायग्राम को, यार व्हाट इज व्हाट आर द रूल्स, वो कौन कौन से रूल्स हैं एक रे डायग्राम को बनाने के, तो हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर तीन ही रूल है, आपको हमने ये नाइन्थ में मिरर में पढ़ा था, सेम रूल है एज अ इसमें इन लेंस ऑल्सो। नंबर वन रूल, देखो यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया जो कि शायद मे भी क्लियर विजिबल नहीं होगा, ये मेरा हैंड रिटन था, इसलिए एक स्टूडेंट ने मुझे बना के दिया था, तो मैं उसको ही आप लोग के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। रूल वन क्या दिया है कि इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देयर रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन इट पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। तो सिंपल सा अगर मैं यहां पर बनाऊं तो ये है लेंस, ये प्रिंसिपल फोकस। अगर इफ द इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल, अगर इंसिडेंट लाइट पैरेलल होगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो प्रिंसिपल फोकस, वो यहां पर एक प्रिंसिपल फोकस है, इस प्रिंसिपल फोकस से ही होकर जाएगी।
फर्स्ट रूल यही है कि जब देखो यहाँ पे लाइट क्या हो रही है, पैरेलल है, एंड आफ्टर इट रीच पासिंग फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, इफ इंसिडेंट लाइट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस द रिफ्रैक्शन पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस से पास होगा। सेकेंड क्या है, इफ इफ इंसिडेंट लाइट पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस है, अगर वो उससे लाइट पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल गोज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इफ लाइट पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, अगर प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और क्या हो जाएगा, वो पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे प्रिंसिपल फोकस से पास हो रहा है एंड आफ्टर क्या हो रहा है, एंड आफ्टर वो क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो ये था सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या हो रहा है, इफ इंसिडेंट रे पासेस थ्रू अ ऑप्टिकल सेंटर, देखो ये देखो ये है ऑप्टिकल सेंटर, सेंटर में ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रहा है तो विदाउट रिफ्लेक्शन वो क्या होता है, पास हो जाता है। ये लेंस है, यहाँ पे इसका ऑप्टिकल सेंटर रहेगा, अगर लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो विदाउट रिफ्लेक्शन सीधा पास होता है। ये डायग्राम्स आपको स्केल से ड्रॉ करना है, ना कि हैंड से ड्रॉ करना है, तो वहां पे आपको सारी चीजें अच्छे से मिलेंगी। तो यही तीन रूल है, पहला इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन द रिफ्रैक्टेड रे पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस, सेकंड इसी का उल्टा इफ प्रिंसिपल रे इज इफ लाइट पासेस और इंसिडेंट लाइट पासेस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इट विल बी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड थर्ड क्या है कि अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास होता है तो विदाउट रिफ्लेक्शन क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा, पास हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब अलग अलग पोजीशन पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखा है एंड उसका इमेज कहां बनेगा ये हमने ड्रॉ किया। सो सिंपल फर्स्ट वन, पोजीशन एट फोकस पे रखा, अगर हम लोग ने इमेज यहाँ पे लोकेशन बहुत अगर डिस्टेंस रखा, हमने बहुत दूरी पर रखा, पोजीशन एट इंफिनिटी पे रखा मतलब बहुत दूर रखा, तो कॉन्वेक्स लेंस पे अगर सामने हमने बहुत ही दूरी पर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो क्या होगा, जो हमारा पोजीशन ऑफ इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, वो बनेगा प्रिंसिपल फोकस पर। साइज क्या होगा, पॉइंट इमेज का होगा, देखो पैरेलल लाइट आ रही है एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन ये एक पॉइंट पे क्या हो रही है, मीट कर रही है, एंड ये कैसा होगा, रियल होगा मतलब एक्चुअल में इमेज बनेगा, और कैसा बनेगा, इनवर्टेड बनेगा, उल्टा इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है, ऑब्जेक्ट ऐसा है तो देखो इमेज कुछ इस तरह से बनेगा, पॉइंट इमेज बनेगा। ये था फर्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट, अगर आपको बियॉन्ड 2f2, देखो 2f2 यहाँ पर है, इसके जस्ट बियॉन्ड में 2f2 हमारा है यहाँ पर है, सो 2f2 के जस्ट बियॉन्ड अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा f1 या 2f2 के बीच में बनेगा। इमेज कैसा होगा, स्मॉलर होगा, देखो स्मॉलर में साइज में छोटा बना है, एंड ऑल्सो कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा और असली बनेगा। सेम अगर 2f2 इस पोजीशन पे मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उसका इमेज भी कहाँ बनेगा, 2f1 पे, सेम साइज का होगा, रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। इसको ड्रॉ करने का तरीका भी मैंने आपको लेक्चर में बताया, जो बच्चे लेक्चर नहीं देखें मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके वहां से वीडियोस को देखेंगे तो आपको कैसे ड्रॉ करना है, क्या क्या चीजें आपको ड्रॉ करते समय ध्यान रखना है, ये सारी चीजें आपको वहां पर पता चल जाएगी। सो जस्ट सिंपल सा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट है बिटवीन F1 एंड 2F2, देखो 2F2 2F1 यहाँ पर है एंड F1, इन दोनों के बीच में अगर मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा, तो कहां पर इमेज बनेगा, तो ऑब्जेक्ट जो बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड 2F1 से आगे बनेगा। साइज कैसा है, देखो यहाँ पे इमेज का ऑब्जेक्ट कैसा है, इसका साइज कैसा है, लार्जर है, और नेचर कैसा है उसका, रियल है एंड इनवर्टेड बनेगा। इमेज कैसा बनना, उसका इनवर्टेड बनना और असली में उसका इमेज बनेगा। तो ये था अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे बिटवीन F1 एंड 2F1 के बारे में। नेक्स्ट आता है एट फोकस, अगर मैंने फोकस, देखो हम लोग क्लोज जा रहे हैं, पहले मैंने इंफिनिट रखा था, फिर बियॉन्ड रखा था, फिर 2F1 पे रखा था, फिर इन बिटवीन रखा था, अब हम लोग फोकस पे रख रहे हैं, तो क्या होता है, तो देखो इमेज कहाँ बनेगा, बिकॉज देखो ये पैरेलल है तो इसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी बनेगा, बहुत दूरी पर जाके बनेगा, बहुत लार्ज होगा एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इसका फॉर्म होगा। नेक्स्ट है लास्ट, कि अगर हमने F1 एंड 0 के बीच में रख दिया, एकदम क्लोज रख दिया, तो उसका इमेज क्या होगा, सेम साइड, लेंस के सेम साइड ही बनेगा, बिकॉज क्या होगा, ये देखो ये एक दूसरे से दूर जा रही है तो ये आगे तो मीट करेंगे नहीं,
तो ये ऐसा हमें लगेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, असली में इसका इमेज नहीं बनेगा एंड सीधा एंड लार्ज इमेज बनेगा जो कि वर्चुअल होगा। तो ये आपको कुछ पोजीशंस दिए जहां पर आपको ऑब्जेक्ट रख के आपको इमेज फॉर्म करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। सो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ड्रॉ करने आना चाहिए, तो आप लोग ड्रॉ करने के लिए सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सो आप वहां से देख के वीडियोस को आप ये चीजें कैसे ड्रॉ करते हैं आप ये चीज सीख सकते हैं। नाउ वन इंपॉर्टेंट चैप्टर, इंपॉर्टेंट पॉइंट और स्लाइड्स बोल सकते हैं या फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज कार्टेशियन साइन। कि कार्टेशियन साइंस के बारे में आपको आ सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, ये मुझे लग रहा है कि इस बार आपको आएगा। सो इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इसके बारे में डिटेल में बताया आपको, आपको ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, तो आप लोग जाकर ये नोट्स को आप लोग ले सकते हैं एंड कुछ भी डाउट है वहां पर हम डिस्कस करते हैं। सो सब सिंपल से आपको डायग्राम सब कुछ बता रहा है कि ऑलवेज कोई भी डिस्टेंस को मेजर हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से करते हैं। ऑप्टिकल सेंटर से ऊपर की तरफ मापी गई दूरी, अगर अपसाइड में अपवर्ड्स कोई भी हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। डाउनवर्ड्स में कोई मेजर करेंगे तो हमेशा क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। राइट साइड में करेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड में करेगा तो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। एंड ऑलवेज जो डायरेक्शन ऑफ लाइट रहेगा वो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। यही आपको फाइव रूल्स यहाँ पर दिए हुए, पहला ऑलवेज लेफ्ट लेंस होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होगा एंड डिस्टेंस मेजर कहाँ से होगा, ऑप्टिकल सेंटर से। तो मैंने बताया पहला कोई भी क्या होगा, ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस को मेजर करेंगे। सेकेंड, डिस्टेंस मेजर टू राइट ऑप्टिकल सेंटर विल बी पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव। अभी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, सो इसके लिए आपको मैं आपको बताऊं, सो आपको ये ग्राफ पता होगा, सिंपल मैथ्स में पढ़े। सो मैथ्स में हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, ये हो गया जीरो, इस साइड में सारा डिस्टेंस क्या होता है, वन टू थ्री फोर, एंड इसके अपोजिट साइड में माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। सिमिलरली अप साइड में पॉजिटिव होता है, वन पॉजिटिव टू थ्री फोर फाइव, एंड माइनस में क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ये ग्राफ आपको पता है तो आपको कार्टेशियन साइन सिंपल है, जैसे हमेशा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, जीरो से करते हैं। अगर राइट साइड मेजर कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। मिरर के लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो क्या होगा, नेगेटिव। मिरर के अप साइड कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉजिटिव। मिरर के डाउन साइड कर रहे तो क्या होगा, नेगेटिव। यही चीजें आपको यहाँ पर सारी चीजें मेंशन की हुई है, आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा, मैंने यही चीज आपको यहाँ पर लिखी हुई है। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड कॉन्केव लेंस इज नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो ये लाइन आपके लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव एंड इसका नेगेटिव होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन, और कुछ टर्म्स आते हैं कि व्हाट इज मैग्निफिकेशन, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है कि डिफाइन मैग्निफिकेशन। तो एक लेंस कितना मैग्निफाई कर सकता है, कितना जूम कर सकता है, जिसको बोलते हैं जूम नॉर्मल लैंग्वेज में, तो कितना जूम कर सकता है, कितना मैग्निफाई कर सकता है, वही होता है उसका मैग्निफिकेशन। और ये डिपेंड करता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेजेस, इमेज एंड ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना कितना मैग्निफाई कर पाएगा। कि अगर वन सेंटीमीटर के उसको वो 10 सेंटीमीटर करा है तो उसका मैग्निफिकेशन उतना हाई होगा, 10 times होगा। सो हाउ मच लेंस मैग्निफाई, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज मैग्निफिकेशन, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज का हाइट जिसको हम बोलते हैं h2 एंड हिमेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज h1, तो इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग v एंड u भी करते हैं, तो m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू भी होता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सिमिलरली एक कॉन्सेप्ट और आता है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या है कि एक लेंस लाइट को कितना बेंड कर पा रहा है, कितना बेंड कर पा रहा है, इसी बेंडिंग पावर को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग मेजर करते हैं इन डायोप्टर। तो इसका यूनिट है डायोप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिल इन द ब्लैंक्स में आया भी है एंड आएगा भी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आपको सारी चीजें आएंगी।
कैपेसिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द इंसिडेंट रे इट्स कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, जिसको हम लोग पी से दिखाते हैं। एंड इसका जो फॉर्मूला है इट्स P इज इक्वल टू 1/m, जो कि m ये सब फोकल लेंथ को दिखाता है कितना दूरी पर उसका फोकल लेंथ। तो ये था जस्ट अबाउट पावर ऑफ लेंस। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के बारे में मैंने डिटेल में आपको बनाया है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो आप लोग ह्यूमन आई का अगर आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट सम डेफिनेशंस आर देयर, जिसको मैंने बताया कि आउटर पार्ट से कॉर्निया होता है जो कि ट्रांसपेरेंट कवरिंग होता है, उसके इनसाइड में प्यूपिल होता है, देन आयरिस होता है, जिससे जिसमें कलर अलग अलग कलर्स के होते हैं, ह्यूमन आईज वेरी करते हैं कलर में, तो आयरिस के कलर की वजह से होता है। सिमिलरली उसके नीचे उसके बिहाइंड में क्या होता है, सम लेंस होता है एंड लास्ट में रेटिना होता है। तो वो चीजें मैं आपको यहाँ पे लिखा भी हूँ एंड आप लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं, वीडियो आप देख के वहां से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है कि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने के 25 सेंटीमीटर इज डिस्टेंस, आपको एग्जाम पॉइंट बताएगा प्लस 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस इज विदाउट स्ट्रेस हम लोग किसी चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एकोमोडेशन क्या है कि लेंस चेंज टू फोकल, कितना फोकल लेंथ को चेंज कर पाता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। क्योंकि क्लियर देखने के लिए लेंस को चेंज करना पड़ता है, तो कितना चेंज कर पाता है उसको बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो ये था जस्ट इस चैप्टर के बारे में वेरी क्रिस्प मैनर में। आपको डिटेल में चाहिए तो आपको चैनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, आप वहां से देख सकते हैं। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू है सो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। And thanks for watching. तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे किसी और चैप्टर के बारे में। So,